वेलकम बैक टू माय चैनल। और थोड़ा सा लेट वीडियो आ रहा है, और जैसे कि आप लोग ने मेरा थंबनेल और मेरी टाइटल देख के कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस मैटर पे बात करने जा रही हूँ और मैं क्या आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो कुछ 4-5 दिन थोड़ा सा लेट हो गई मैं वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझसे वीडियोस नहीं बन पा रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो जो गुड न्यूज़ जो मैंने डाली है, बहुत लोग समझ गए थे और बहुत लोग ने मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज किया कि दी ऐसा है या वैसा है, मतलब इस मैटर में। बट मैंने उस टाइम रिस्पॉन्स इसलिए भी नहीं दिया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं आपके सामने आके आपसे बात करूं, लाइक आपको मैं खुद से बताऊं ये चीज़, और इसलिए मैं कमेंट सेक्शन में आपकी बातों का रिप्लाई नहीं कर रही थी। और एक दो वीडियोस में भी आप लोग ने बोला, मैंने थोड़ा सा एक मीशो हॉल सबसे जो फर्स्ट वाला किया था वो मैंने बैठ के किया था बीच बीच में, तो आप लोग ने कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप ये बैठ के क्यों लाइक वीडियोज़ बना रहे हो। तो क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसे भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती, इसलिए मैंने बैठ के बनाया। बट मैंने वीडियोस फिर खड़े होके बनाई और उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता पा रही थी। यस, आई एम प्रेग्नेंट। और जैसे कि मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से पहले सोचा मैंने कि मैं पहले बताऊँ, बट मुझे लगा कि पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैंने आप लोग से ये चीज़ शेयर नहीं करी। बट अब बहुत ज़्यादा मतलब लाइक काफ़ी मंथ्स हो गए हैं उसके बाद मैंने आप लोग से ये चीज़ रिवील करी है, और इसलिए भी मैं थोड़ा सा टाइम हो जा रहा था, 4 दिन 4 डेज हो जा रहे थे वीडियोस बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा फिजिक भी अलाउ नहीं करती है, थोड़ी बहुत तबीयत कुछ ना कुछ ख़राब रहती है। और क्योंकि ये सेकेंड है और एक ऑलरेडी माशाल्लाह से इनाया है, उनको हैंडल करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, और सेकंड में भी जाहिर सी बात है बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी तबीयत ख़राब होती है, तो वो सब चीज़ें भी मैनेज करना और बच्चे बेबी को भी टाइम देना, वो चीज़ बहुत थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मैनेज हो जाती है, मैनेज करने में हो जाती है। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि अब ये सही वक्त है कि मैं ये चीज़ रिवील कर दूँ, और हम अपना लाइक सेकेंड बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही मैं बाकी चीज़ें भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल मैंने बिल्कुल भी मंथ का भी टाइम नहीं छोड़ा, मैं बहुत लास्ट में आप लोग को आके बता रही हूँ, और क्योंकि बिल्कुल समझ लीजिए बस बहुत जल्द आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। मायके आई हुई हूँ और जैसे कि बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे कि ये मेरे घर का बैकग्राउंड है, और इत्तेफाकन मैं कुछ चीज़ ट्राईपॉड वगैरह भी नहीं लाई, तो अभी थोड़ा सा हिल रहा होगा वीडियो, क्योंकि मैं सामने मैंने ऐसे चेयर पे फ़ोन रखा हुआ है, और क्योंकि मैं कुछ चीज़ जल्दी में ला नहीं पाई, मैं 4-5 दिन के लिए निकल आई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने सोचा घर थोड़ा सा चलते हैं, और मम्मी से भी काफ़ी टाइम हो गया था, 3 महीने, क्योंकि मम्मी मुंबई में थी तो मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा क्योंकि ना चलते हैं घर पे थोड़ा सा। तो मैं कुछ 5 to 6 days के लिए अपने घर आ गई थी, तो मैं अभी अपने घर पे हूँ और इंशाल्लाह जल्दी ही मैं जाऊँगी, और जो भी करवा मतलब लाइक ऑपरेशन ही होना है, क्योंकि फर्स्ट बेबी मेरी इनाया ऑपरेशन के थ्रू हुई थी, तो ओबियसली सेकेंड में भी ऑपरेशन होना है, तो डेट मिल चुकी है, वो मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताती रहूँगी कब क्या है, सब कुछ मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ जो शेयर करने वाली चीज़ें हैं। और डेट मिल चुकी है और अब मुझे कानपुर जाना है डायरेक्टली, मैं ऑपरेशन के एक दिन पहले ही मैंने सोचा है कि मैं जाऊँगी और वहीं पर ही कराऊँगी, क्योंकि इनाया के पापा वहीं पर ही हैं, तो क्योंकि मैं आ गई थी मुझे छोड़ के वो चले गए थे, तो मैं वहीं पर ऑपरेशन कराऊँगी और इंशाल्लाह सब चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत लोग ने कमेंट्स किया आप मोटी हो गए हो, आप ये हो गए, तो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोग को आंसर करूं, बट मैं आंसर नहीं कर पा रही थी, मैंने सोचा कि मैं खुद जब सही वक्त आएगा मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ अब मुझे बताना चाहिए, तो मैं आप लोग को ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो इसलिए मुझे ये वक्त सही लगा कि मैं शेयर करूं, ताकि आप लोग की जो क्यूरियोसिटी हो ज़्यादा दिन बनी ना रहे, आपको कुछ जल्दी न्यूज़ मिले और मैं सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूं। तो अगर आपने वीडियो मेरी अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, क्योंकि इस चीज़ से रिलेटेड अब बहुत सारे वीडियोस आएंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूं, और दुआ दीजिएगा मेरे लिए, दुआ मांगिएगा सब कुछ खैरियत से हो जाए। और तो अब की थोड़ी जर्नी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रही है, क्योंकि अब की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। इनाया के टाइम में जो मेरा रेगुलर जो खाने का रूटीन रहा है वो सब मैं सब कुछ खाती थी,
तो लाइक मैं उस टाइम नॉन वेज खाती थी, मैं सारे फ्रूट्स खाती थी, मैं सब कुछ खाती थी, बट इस टाइम इस बार थोड़ा सा मेरा डिफ़िकल्ट जर्नी रही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं खाई. लाइक मुझे नॉन वेज से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो गई थी, मैं बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खा रही थी, मुझे बिल्कुल उसकी स्मेल तक पसंद नहीं आ रही थी. और बहुत सारी ऐसे स्पाइसेस लाइक गार्लिक वालिक से भी थोड़ी सी हमें मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी. तो नॉनवेज तो मैंने पूरी 9 मंथ्स मतलब लाइक जितने भी मंथ्स हो गए मैंने नॉनवेज नहीं छुआ है. और इनाया के टाइम में मैं अगर कंपैरिजन करूँ उस, तो इनाया के टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी. लाइक उस टाइम मैं सब कुछ खाती थी और मुझे किसी भी लाइक कोई भी फूड से ऐसे कुछ एलर्जी नहीं थी, बट इस टाइम इस बार मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई लाइक नॉनवेज वगैरह से, तो मैंने नहीं खाया. फ्रूट्स वूट्स भी मैंने इस बार दूध बिल्कुल भी नहीं पिया. लाइक इन आए के टाइम में मेरा एक रूटीन था कि मैं मॉर्निंग में 1 ग्लास दूध ज़रूर पीती थी, बट इस बार मैंने दूध भी नहीं पिया. और कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आई लाइक बेबी के वेट गेन में या बेबी के वेट में प्रॉब्लम हुई. और अभी मैं इसलिए भी आ गई थी कि मैंने लास्ट जब इससे पहले वाला अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें थोड़ा सा वेट का इशू हुआ था कि भाई मुझे डॉक्टर ने बोला कि और ज़्यादा अच्छी थोड़ी सी डाइट लीजिए. तो क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मम्मी का थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, घर चले आते हैं थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा इनाया को भी मम्मी देखेंगे, मुझे भी थोड़ा सा टाइम अपने लिए मिल जाएगा, तो इसलिए मैं घर आ गई थी. तो कुछ ऐसा रहा ये जर्नी थोड़ी सी मेरी, इसमें मुझे तबीयत भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई इसलिए भी थोड़ी सी वीडियोज़ लेट आती थी. तो मेरे लिए प्रे करिएगा इंशाल्लाह जो कुछ भी हो सब कुछ खैरियत से हो, क्योंकि मुझे इस बार बहुत डर डर लग रहा है बहुत ज़्यादा. क्योंकि जब लास्ट टाइम क्या था कि पिछली बार जब फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें रहती हैं लाइक आपको नहीं पता है कि आप ऑपरेशन थिएटर में आपके साथ क्या होने वाला है, तो जो कुछ भी होता रहता है वो रैंडमली आपको ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं रहती है. बट सेकेंड बेबी में आपको पता है कि आपको एनेस्थीसिया लगना है या आपको वीगो लगना है या आपको क्या क्या होना है आपके साथ, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है. और मुझे वीगो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वीगो में मेरे खून जो है ना वो बहुत जल्दी जम जाता है और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है. इनफैक्ट इतना पेन होता है कि मतलब मेरी आवाज़ें निकलने लगती है, क्योंकि मुझे किसी चीज़ में पेन नहीं होता जितना मुझे वीगो में प्रॉब्लम होती है. तो मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डर रही हूँ. और सेकेंड चीज़ कि इनाया को कौन देखेगा, क्योंकि इनाया मुझसे ज़्यादा इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं, इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं कि वो दूध भी मेरे हाथों से ही पीती है और सब कुछ मेरे हाथों से ही करती है. लाइक मैं सब कुछ अपनी बेटी का मैं खुद से अपने हाथ से करती हूँ. नॉर्मल लाइफ में जैसे एक औरत करती है वैसे मैं भी करती हूँ. लाइक पॉटी का प्रॉब्लम होगा और लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों का हम खुद से करते हैं, तो वो प्रॉब्लम आएगी कि कौन देखेगा. 3 डेज़ तो मैं बिल्कुल भी बच्ची को अपने नहीं देख पाऊँगी क्योंकि मैं ओब्वियसली इस कंडीशन ही में नहीं होंगी. और जो छोटा बेबी है उसको तो कोई ना कोई देख लेगा, बट इनाया के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो चुकी है, उसको हैबिट है मेरे साथ हर चीज़ लाइक करवाने का, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. तो मैं अभी बस बैठी थी, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको साथ अपनी फीलिंग्स थोड़ी बहुत शेयर करूं. और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको लाइक पूछना है कि मैं आप लोग के साथ वो चीज़ शेयर करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अब इंशाल्लाह मैं जल्दी मैं बहुत वीडियोज़ जो बीच बीच में मैं डालूंगी, और अगर 1-2 दिन का गैप होगा तो थोड़ा बहुत आप देख मतलब मैनेज कर लीजिएगा. इंशाल्लाह मैं और भी वीडियोस के साथ आऊँगी इंशाल्लाह. और दुआ करिए कि मैं ऐसे ही हंसती रहूँ और ऐसी सेहत अल्लाह मतलब बरकरार रखे, क्योंकि मैं इस बार बहुत ज़्यादा डर रही हूँ कि सब कुछ मतलब अच्छे से हो जाए. तो फिर इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. और आई थिंक अब आप लोग को सबको क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को पूछ रहे थे और मैं उनको आंसर नहीं दे रही थी. आई एम रियली सॉरी. और एक चीज़ और मैं लास्ट में बोलना चाहूँगी, एक ने कमेंट मुझे किया था कि आप प्रेग्नेंट हो और प्रेग्नेंट लेडियों की बहुत ज़्यादा जो लाइक दुआएं होती हैं वो कबूल होती हैं, और आप मेरे लिए दुआ करिए कि मैं मुझे भी अल्लाह औलाद नसीब करे. तो मैं उन सब के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह उन सब को जो चाहते हैं औलाद के लिए और उनको कोई भी प्रॉब्लम है, अल्लाह करे उनकी वो प्रॉब्लम दूर हो इंशाल्लाह. अगर मेरी दुआ अगर ऐसे आपके अकॉर्डिंग अगर आप कह रहे हो कि मेरी दुआ कबूल हो सकती है, तो मेरी अल्लाह से मौला से यही दुआ है कि
जो भी आप लोग जो जो प्लान कर रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंशाल्लाह मौला आपको औलाद नसीब हो और आपकी ख्वाहिश पूरी हो, आपको बहुत प्यारा सा बच्चा या बच्ची जो भी परवरदिगार जो अता करे वो हमारे लिए नेमत है, तो अता करे। और आपने क्योंकि ऐसा बोला था, मैं एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं है बट मैंने एक मैसेज पढ़ा तो मेरे दिमाग में था, तो मैंने मेरी दुआ आप सबके साथ है, और अगर ऐसा होता है कि इस टाइम पे दुआ कबूल होती है तो मैं सब नमाज़ों में आप लोग के लिए दुआ मांगूंगी, और आप लोग भी मेरे लिए प्रे करिएगा, और मैं जल्दी मिलूंगी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट।